हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक गिवन स्ट्रिंग में कितने डुप्लीकेट करेक्टर्स हैं उन सबको प्रिंट कराएंगे और उनकी फ्रिक्वेंसी को प्रिंट कराएंगे। डुप्लीकेट करेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ पे प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एंड काफ़ी कंपनीज के अंदर इस प्रोग्राम को पूछा जाता है। तो करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा कि किस तरह से इस प्रोग्राम को करना है और उसके बाद हम इसका प्रोग्राम देखेंगे विद प्रॉपर आउटपुट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। से पहले अनअकैडमी के करियर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एक प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी वेयर यू कैन क्रैक टॉप ब्रांड टिप्स ऑन टेक्निकल एंड इंटरव्यू राउंड क्वेश्चंस, हाउ टू ज्वाइन बिग टेक ब्रांड्स आपको मिलेगा, आपका कोड शेप प्रोफाइल किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हो, इंटरव्यूज ऑफ टॉप टेक लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, पॉपुलर ऐप्स जैसे कि हो गई गूगल हो गया या फिर आपका जोमेटो हो गया, इन सबका आर्किटेक्चर किस तरह से होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा। तो ये एक यहाँ पे इनका शेड्यूल है पूरा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप किस तरह से देख सकते हो करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर का। सो दिस इज़ द लिंक ऑफ द करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बाय अनअकैडमी, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट यू विल गेट इज लाइव क्लासेस, एक्सेस टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इनोवेटिव कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा यहाँ पे। सो देर आर टॉप एजुकेटर्स जो कि कोड शेफ के 7-स्टार कोडर्स हैं, मेजर कंपनीज के अंदर काम करते हैं जैसे कि अमेजन हो गया, गूगल हो गया, इन सब के जो डेवलपर्स हैं, कोडर्स हैं, वो आपको सिखाएंगे यहाँ पे। सो यू कैन सी दीज आर सम ऑफ द अपकमिंग कोर्सेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो अगर मैं एक कोर्स के बारे में यहाँ से बात करूँ जो कि है एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट बाय अनुज गर्ग, तो आप इनका शेड्यूल देख सकते हो। सो 20th अगस्त से शुरू हो रहा है, दिस इज द कंप्लीट शेड्यूल जहाँ पे आपको ऊबर के प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में देखने को मिलेगा किस तरह से करते हैं और ऊबर का क्लोन हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो ये यहाँ पे पूरा इनका टाइम टेबल, एक तरह से संडे को जो क्लासेस हो रही हैं वो यहाँ पे आपको लिखने को मिलेंगी, वेनसडे को यहाँ पे बीटिंग द ऑड्स बाय अर्श गोयल है, थर्सडे को यहाँ पे प्लेसमेंट टिप्स के ऊपर बात है, फ्राइडे को टॉकिंग टेक बाय सौम्यजीत, प्रोजेक्ट रिव्यूज होंगे यहाँ पे, एंड सैटरडे की क्लासेस का यहाँ पे मैंने पूरा ऑल ऑफ दिस एट जस्ट अ प्राइस ऑफ $999 फॉर अ ईयर। तो अगर मैं गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 999 है, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे जो है AM7219, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको ये मिलता है सिर्फ 899 में। तो पूरे एक साल का आपको सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 899 में यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें देखो करना क्या है, सपोज आपको इनपुट गिवन है, लेट अस टेक अ सैंपल इनपुट। सो अगर आपको यहाँ पे इनपुट गिवन है AABCC, तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, एंड देन सी की फ्रीक्वेंसी है 2, क्योंकि यहाँ पे देखो डुप्लीकेट कौन से, सिर्फ ए और सी डुप्लीकेट है, बी आपका यूनिक है, यूनिक मतलब जो सिर्फ एक बार अकर हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखो बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि स्टोर कर लो सबकी फ्रिक्वेंसी, स्टोर ऑल करेक्टर फ्रिक्वेंसीज इन अ एरे, स्टोर ऑल करेक्टर फ्रीक्वेंसी इन अ अरे, और उसके बाद एरे के अंदर आपको क्या करना है, चेक वेदर द फ्रीक्वेंसी इज, वेदर द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी तो आपको करेक्टर प्रिंट कराना है और उसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी को प्रिंट कराना है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे आपको लॉजिक फॉलो करना है। सो काफ़ी सिंपल लॉजिक है ये, इसको आप देखते हैं कि कोड में किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट अब हम चलेंगे इसमें कोडिंग की पार्ट की तरफ और देखेंगे कि किस तरह से इसको हम कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो वट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर हेयर, बेसिक स्ट्रक्चर, एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग आवर प्रोग्राम, ठीक है। सो सपोज मैं यहाँ पे क्लास का नाम ले लेता हूँ EEC_duplicate और डुप्पल, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि क्लास का नेम आपको यही लेना है, आप कोई सा भी नाम लेके इसको काम कर सकते हो इस पे, ओके, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टोर द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर इन अ एरे। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे ले लिया जिसका नाम मैंने दिया काउंट, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसका साइज 256, ठीक है। आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो साइज। देन एक हम यहाँ पे लूप रन करेंगे, सो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस1 डॉट लेंथ,
जितनी आपके स्ट्रिंग की लेंथ है उससे कम तक हम यहाँ पे इसको रन करेंगे आई प्लस प्लस, ओके। एंड देन इन दिस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एरे के अंदर फ्रिक्वेंसी को स्टोर कराएंगे। बस इसको ध्यान से देखना, काउंट देन देखो एस टी आर डॉट कैर एट आई, ठीक है, एस टी आर डॉट कैर एट आई प्लस प्लस। तो ये आपको यहाँ पे करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे ये करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और लूप आप यहाँ पे रन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एरे के अंदर की फ्रिक्वेंसी उसकी वन से ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि अगर वन से ज़्यादा होगी फ्रिक्वेंसी तभी हम उसको प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज हम उसको प्रिंट नहीं कराएंगे। आई प्लस प्लस, अब यहाँ पे आप चेक कर लो, इफ काउंट आई इज ग्रेटर देन वन, इफ काउंट आई इज ग्रेटर देन वन देन ओनली वी विल प्रिंट। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, नाउ यू हैव टू डू दी टाइप कास्टिंग, क्योंकि इंटीजर टाइप का एरे है, अब उसके इंटीजर की वैल्यू को करेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग करूंगा। सो करेक्टर आई प्लस, यहाँ पे कंकेटिनेशन कर रहे हैं हम सिंपल, काउंट इज इक्वल्स टू प्लस काउंट एंड देन आई, ओके। सो दिस इज द कंप्लीट कोड जो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रिक्वेंसी को स्टोर करा रहे हैं, हर करेक्टर की फ्रिक्वेंसी को स्टोर करा रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी को चेक कर रहे हैं। अगर फ्रिक्वेंसी वन से बड़ी है, ये कब ट्रू होगा, जब वन से बड़ी है, और डुप्लीकेसी के केस में आपकी फ्रिक्वेंसी वन से बड़ी होनी चाहिए, तो उस केस में हम इसको प्रिंट करा देंगे। चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं, पुराना कोड हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। सो ईसी अंडरस्कोर डी यू पी एल डॉट जावा बेसिकली द फाइल नेम, ओके। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, दिस शुड बी एस वन, देन जावा, रन द कोड। सपोज मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ए ए बी सी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ए का ही काउंट इसमें दिखाया, और काउंट कितना था, टू। अब मैं चलो यहाँ पे काउंट बढ़ा देता हूँ ए ए ए बी सी, तो अब आप देखो ए का काउंट इसमें दिखाया है थ्री, बाकी सारे मेरे यूनिक थे, तो यहाँ पे ये सही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी सी सी डी, ठीक है। अब आप देखो कि ए और सी ऐसी हैं जो डुप्लीकेट हो रही हैं, और ए का काउंट कितना है तीन, और सी का काउंट कितना है दो। तो इस तरीके से आप इस कोड को लिख सकते हो, काफ़ी सिंपल कोड है ये, बट काफी कंपनीज के अंदर इसको पूछा जाता है प्रोग्रामिंग राउंड के अंदर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स, थैंक यू।